कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा के लिए जयपुर पहुंचे पर्यवेक्षक को विधायकों से रायशुमारी करनी थी, लेकिन ये हो नहीं पाया। दिल्ली से भेजे गए दोनों पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन आज दिल्ली लौट रहे हैं। दोनों आलाकमान को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और ये बताया जा रहा है कि गहलोत समर्थक नाराज विधायक दोनों पर्यवेक्षकों से नहीं मिलना चाहते। हालांकि पहले खबरें आई कि 3 एजेंडे होंगे जिन पर वो चर्चा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 18 अक्टूबर के बाद कौन होगा राजस्थान का मुख्यमंत्री, इसका ऐलान हो। वो चाहते हैं कि जो नाम जिस पर चर्चा हो रही हो, अशोक गहलोत जो नाम सुझाए उन नाम को प्राथमिकता दी जाए। तीसरी बड़ी बात वो कह रहे हैं कि 102 जो वफादार विधायक है उनमें से ही कोई चेहरा चुना जाना चाहिए। पहले खबरें थी कि इन्हीं मुद्दों पर बात होगी। अब जाहिर तौर पर ये मुद्दे रखे गए होंगे पर्यवेक्षकों के सामने और ये सारी रिपोर्ट के तौर पर सोनिया गांधी के सामने मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन रखने वाले हैं, क्योंकि आज खबरें थी कि मुलाकात करेंगे। कल रात तक ये जानकारी थी, आलाकमान की तरफ से कहा गया कि एक एक विधायकों से मुलाकात कीजिए, उनसे समझिए और उनसे जानिए, लेकिन चीजें बदली। सुबह होते होते ये खबर आ गई कि पर्यवेक्षक सीधे दिल्ली जा रहे हैं। शरत हमारे साथ है। शरत, रात तक तो चर्चा थी कि 3 एजेंडे पर विधायक बातचीत करने को तैयार हैं, कहा भी गया कि आज सुबह मुलाकात होगी, लेकिन सुबह हुई, नई शुरुआत हुई, लेकिन आला कमान की तरफ से भेजे गए जो पर्यवेक्षक है वो वापस दिल्ली की ओर। देखिए, आलाकमान ने अपना रुख जो है थोड़ा सा हार्ड कर लिया है, जिसकी वजह से वो रायशुमारी नहीं करेंगे। आलाकमान का कहना है कि सब कुछ अशोक गहलोत को बता दिया गया था, उसके बावजूद इस तरह का ड्रामा किया गया है, और कहीं से भी हम किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं आए थे, हम विधायकों की राय जानने के लिए आए थे, मगर विधायकों की राय जानने से रोका गया है, इसलिए अब कोई मतलब नहीं है इस्तीफा दे चुके विधायकों से बातचीत करने के लिए। अब दिल्ली से तय होगा कि इन विधायकों के साथ या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ किस तरह का रिश्ता रखा जाए, इसे लेकर वहां पर दिल्ली में फैसला लिया जाएगा। 2 बजे की फ्लाइट से जा रहे हैं, हालांकि सोनिया गांधी की तरफ से निर्देश था कि एक बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत करते हुए आए, मगर ये जिस तरह से आपको सन्नाटा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ऐसा लगता नहीं है कि कोई बातचीत होगी। ये जरूर खबर आ रही है कि गहलोत कैंप के जो विधायक हैं वो एक बार शांति धारीवाल के घर पर मिल सकते हैं। अब जब शांति धारीवाल के घर पर वो मिलने जाएंगे तो कितने लोग वहां पर रहेंगे ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि देखिए अभी दावा किया गया है कि 82 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। 82 के 82 विधायकों ने कहा नहीं है कि हमने इस्तीफा दिया है। जो अशोक गहलोत के किचन कैबिनेट के विधायक और मंत्री थे वही आकर बोले हैं कि हमने इस्तीफा दिया है। जब तक 82 के 82 विधायक कहते नहीं है कि हमने इस्तीफा दिया है, ये मामला थोड़ा सा अभी फंसा हुआ है, इसीलिए कांग्रेस आला कमान जो है अपना स्टेंस हार्ड कर रहा है। ये भी खबर आ रही है कि अजय माकन जो है विधायकों से व्यक्तिगत रूप से कई विधायकों से बातचीत कर रहे हैं, ऐसी खबर आ रही है। कई विधायकों के पास अजय माकन के फोन गए हैं। जी जी, ठीक है सर, जरा रहिए आप साथ। देखिए, राजस्थान की जो सियासत है उसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो सियासी टकराव है ये नई नहीं है, बहुत पुरानी चली आ रही है। गहलोत पहले भी सचिन पायलट पर हमला कर रहे हैं। मासूम चेहरा, हिंदी इंग्लिश की अच्छी कमांड, थोड़ा सा नीचे करिए, मीडिया को इम्प्रेस कर रखा है पूरे कंट्री के अंदर। और जैसे मैंने बहुत मेहनत करी है और मैं लेके राज लेके आज राजस्थान के अंदर, वो तो राज की जनता जानती है कितना कॉन्ट्रीब्यूशन का था। हमने फिर माइक नीचे करो, कभी क्वेश्चन नहीं किया उनके ऊपर कि आप कितनी झगड़े करवा रहे हो, कितना काम कर रहे हो, कितना संघर्ष कर रहे हो। हमने क्वेश्चन नहीं किया पार्टी के इंटरेस्ट के अंदर, हम जानते थे कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा था, क्वेश्चन नहीं किया। 7 साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर राज्य होगा या प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी, ना सीनियर ने ना जूनियर ने। एक छोटी खबर नहीं पड़ी हुई किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ। एक नौजवान साथी हमारा जो 25 साल की उम्र में मेंबर पार्लियामेंट बने, 26 साल में केंद्रीय मंत्री बन जाए, और आप कल्पना करो कि आप 32 साल, 34 साल, 35 साल, 36 साल में आप प्रदेश का अध्यक्ष बन जाओ, डिप्टी सीएम बन जाओ, उसके बाद में 10-12 साल के गेम में आप सब गुरु बन गए। 10-12 साल के गेम में आप सब गुरु। आज की ताजा घटनाक्रम में पायलट से जो विधायक
मिलकर निकले हैं, वो क्या कह रहे हैं ये सुनना दिलचस्प हो जाता है। आला द्वारा क्या पार्टी आलाकमान से खुद सचिन पायलट ने बात की है, प्रियंका, राहुल, सोनिया गांधी जी से बात हुई है सर उनकी? वो वही बता पाएंगे। एक सवाल सर ये भी उठ रहा है कि जिस तरह से चीजें की गई, कई आरोप लग रहे हैं कि पहले से प्लानिंग की गई थी गहलोत कैंप के द्वारा। ऐसा कुछ नहीं है, की होंगी तो भुगतेंगे जिसने की है, या आला कमान का फैसला चलेगा और सब लोग आला कमान के निर्देशों पर काम कर रहे हैं, जो बगावत करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। अब एक एक करके पायलट कैंप के विधायक और भी आएंगे सर यहाँ पर? पायलट मुझे पता नहीं, मैं सब मिलने आया हूँ, वो आएंगे नहीं आएंगे सब होगा। आप क्या मानते हैं, आप ही बताइए, आपसे पूछते हैं। साफ तौर पर जो प्लानिंग थी वो थी कि 7 बजे की मीटिंग होनी थी, विधायक नहीं पहुंचे, आपको लगता है क्या? मीटिंग बुलाई थी 7 बजे, ऑब्जर्वर्स को आना था 7 बजे, हम सबको सूचना थी 7 बजे, आला कमान के फैसले के तहत जो चीफ विप ने फोन किए उसके जाना था हमको CMR में 7 बजे। इसके बाद में अलावा कोई और कुछ हुआ है तो वो किस में आता है वो सब आप जानते हैं। सर गहलोत गुट तो कह रहा है कि वो तो जैसलमेर गए हुए थे, उनको तो पता ही नहीं था उनके पीठ पीछे ये सब चल रहा है। आपको लगता है ये बात किसी को हजम नहीं हो रही क्या? आपको हजम नहीं हो रही तो और किसको होगी? चलिए, थैंक यू। वेल सो क्लियरली प्रीति यू हर्ड, तो ये सचिन पायलट से मुलाकात करके जो विधायक लौट रहे हैं वो अब ये बातें कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक सबसे ज्यादा शांति अगर किसी गुट ने बनाकर रखी थी तो वो गहलोत पायलट के गुट के ही लोग हैं, क्योंकि गहलोत की तरफ से पूरा गेम, उनके विधायक ने इस्तीफा दिया, पूरी हलचल बढ़ती रही। लेकिन शरद देखिए, यहाँ कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं। अब आला कमान नाराज है, विधायकों पर किस तरीके की सख्ती हो सकती है? शर्तें तो ये है कि नामंजूर है, लेकिन हो क्या सकता है, क्योंकि आंकड़े तो गहलोत के साथ है। वो देखना दिलचस्प होगा कि कितने आंकड़े अशोक गहलोत के पास रहते हैं जब आला कमान जो है अपना डंडा चलाता है, क्योंकि अभी तक तो अशोक गहलोत की तरफ से ये दावा किया गया है कि 82 विधायकों ने इस्तीफा दिया है, उसमें से कितने लोग इस्तीफा देते हैं, कितने लोग कायम रहते हैं, अभी आज दिन में ये सारा पता चल पाएगा, क्योंकि कांग्रेस के जो ऑब्जर्वर आए हैं ऐसी सूत्रों से खबर मिल रही है कि कई विधायकों ने बताया कि अजय माकन का फोन आया था और हमने कहा कि हमने इस्तीफा जरूर लिखा है वहां पर, लेकिन होना नहीं चाहिए था। तो ये जो हमारे बातचीत हो रही है विधायकों से, वो इस तरह की बातें वो अजय माकन को बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है इतनी पुरानी पार्टी है, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो उठते उठते बोल गए हैं, वो जो हमने बताया आपको क्या बोल कर गए हैं, उन्होंने कहा कि बहुत दिन मैं सत्ता में और विपक्ष में दोनों में रहा है, मैं इस तरह के प्रेशर टैक्टिक्स के आगे झुकने वाला नहीं हूं। ये कहकर वो विधायकों के बीच वार्ता करने गए थे, प्रताप सिंह खाचरवास और संयम लोढ़ा, राजेंद्र यादव, इनसे ये कहकर वो उठकर निकले थे, उसके बाद बातचीत टूट गई थी। शरद, क्या आपको लगता है कि अशोक गहलोत के मन में कोई संशय है, संशय इस बात को लेकर कि अध्यक्ष पद का चुनाव तो मैं लड़ रहा हूँ लेकिन होगा क्या, लास्ट में कहीं कोई खेल बदल नहीं जाए? क्योंकि जो 3 एजेंडे थे जिन पर विधायक पर्यवेक्षकों से बात करना चाहते थे, जो खबरें थी उसमें तो एक पॉइंट तो ये भी था कि 18 अक्टूबर यानी जब वो चुनाव हो जाए अध्यक्ष पद के, उसके बाद यहाँ कौन होगा सीएम इसका फैसला हो, तो क्या कोई डर है इसलिए अभी ये कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं, या पायलट को ही सीधे तौर पर नहीं चाहते कि वो बने मुख्यमंत्री? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है उस स्थिति के अनुसार अशोक गहलोत को ऐसा लगता था कि अगर मुझे नॉमिनेशन भरवाया जाता है, उससे पहले हटा लिया जाता है और मैं अध्यक्ष नहीं बन पाता हूं, या तो फिर मेरा क्या होगा करियर का, तो कहीं ना कहीं मन में संशय रहेगा। उससे बड़ी बात यह है कि देखिए, मैं लगातार 5-7 दिनों से कर रहा हूं कि जो भी पत्रकार जाता था मिलने के लिए अशोक गहलोत से, उसे यही कहते थे कि मैं सचिन पायलट को तो सीएम नहीं बनने दूंगा। तो मुझे लगता है उनके मन में रहा होगा कि क्या पता कि एक लाइन का प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो सचिन पायलट सीएम बन जाए और फिर हम जो है कांग्रेस अध्यक्ष के हैसियत से वहां पर किस तरह से काम कर पाएंगे राजस्थान में पता नहीं, क्योंकि हो सकता है कि गांधी परिवार चेक एंड बैलेंस का खेल भी खेल रहा हो हमारे साथ कि हम वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष रहें और हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं सचिन पायलट को यहां सीएम बनाकर रखा जाए। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई इनके मन में शंका रही होगी, क्योंकि मैं कल आपसे कहा था और मैं फिर कहता हूं, मैं हमेशा से कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की बात भूलता नहीं हूं, हालांकि वो इस दुनिया में नहीं रहे, मगर गुजर आंदोलन किए थे और वो हमेशा कहा करते थे बैठ के कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो नेता हैं
कि कोई उनको दूध पीने के लिए दे तो पहले बिल्ली को दूध पिलाएंगे, खुद दूध नहीं पिएंगे। तो जो आप कह रहे हैं कि क्या मन में कोई आशंका थी, तो निश्चित रूप से कोई आशंका रही होगी। लेकिन शरद, यहाँ पर जो सियासी बिसात है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि अशोक गहलोत ने सारी चालें चल दी हैं और पायलट अभी शांत बैठे हुए हैं।